ओके सो इन लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है, क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कितना अबंडेंस है, क्या उसके यूजेस हैं, ये सब हम लोग बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद आइसोटोप्स, भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो अब क्या बचा है, अब हमारे टॉपिक में ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन बचा है और हैवी वाटर बचा है। हैवी वाटर का भी ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस हैवी वाटर क्या होता है, क्या उसका यूज़ होता है एंड क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। द टॉपिक वुड बी स्मॉल क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी आज क्लास मोस्ट प्रोबेबली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, नाउ एज वी नो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस क्या होते हैं, उन ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन का ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन आर एक्चुअली स्पिन आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन। स्पिन आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है, स्पिन आइसोमर मतलब जो उनके स्पिन होते हैं। अब हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तुम्हारे, तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, क्या आप फॉलो करेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो दो हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन का जो स्पिन होता है वो ऊपर होता है और दूसरा हाइड्रोजन का स्पिन क्या होता है, नीचे होता है। इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। और ये है सिंगलेट, सिंगलेट हाइड्रोजन। अब एक दूसरी हाइड्रोजन भी होती है जिसमें जो दोनों हाइड्रोजन का जो स्पिन होता है वो सेम रहता है, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। दोनों हाइड्रोजन का स्पिन क्या है, इसी तरीके से सेम उसमें डायरेक्शन में। तो अगर इसका स्पिन प्लस हाफ है तो इसका स्पिन माइनस हाफ होगा पैरा हाइड्रोजन में, लेकिन ऑर्थो हाइड्रोजन में दोनों ही हाइड्रोजन का जो स्पिन होता है, दोनों ही हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो सेम है। सॉरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन का स्पिन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन का स्पिन। अब ये प्रोटॉन का स्पिन क्या होता है, एक्चुअली जो प्रोटॉन होता है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो सकता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का जो स्पिन होता है वो भी प्लस हाफ हो सकता है और माइनस हाफ हो सकता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो भी रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड इन प्रोटॉन का भी क्या होता है, स्पिन होता है, और इन्हीं प्रोटॉन के जो स्पिन होते हैं इसी की वजह से हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रोटॉन के स्पिन है उसकी वजह से हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा देख पाते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो जब इनका जो न्यूक्लियस होगा उनका जो ओरिएंटेशन है अगर वो अपोजिट होगा तो उसे हम लोग सिंगलेट हाइड्रोजन बोलेंगे या फिर पैरा हाइड्रोजन बोलेंगे, और अगर दोनों का जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में है तो वो होगी ऑर्थो हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को हम लोग ट्रिपलेट हाइड्रोजन बोलेंगे। ट्रिपलेट हाइड्रोजन हम लोग इसलिए बेसिकली बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इट विल गिव अ ट्रिपलेट, इस तरीके की पीक हमें जनरली एनएमआर में दिखाई देती है, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पीक दिखाई देती है क्योंकि इनका जो स्पिन है वो जीरो है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर तुम देख पाओ तो ऑर्थो हाइड्रोजन ये रही और पैरा हाइड्रोजन ये रही।
तो इसमें जो ऑर्थो हाइड्रोजन में है कि जो स्पिन है वो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सेम है, क्लॉकवाइज, जो प्रोटॉन मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। इन सेम डायरेक्शन वाला, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हो गई हमारी पैरा हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन हमें मिलती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, दोनों टाइप की हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल होती है एटमोसफेयर में। तो जब भी रूम टेम्परेचर पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें से कुछ पोर्शन होगा ऑर्थो हाइड्रोजन का, कुछ पोर्शन होगा पैरा हाइड्रोजन का। बट इसमें से क्या है कि जब दोनों प्रोटॉन का स्पिन अपोजिट होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैरा हाइड्रोजन जो है इट इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तुम्हारे पेपर्स में कि व्हाट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, तो एक ऑर्थो में दोनों अपोजिट स्पिन होते, सॉरी सेम स्पिन होते हैं, और पैरा में दोनों अपोजिट स्पिन होते हैं। किसके प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर दोनों ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पे होती हैं, और अगर लो टेम्परेचर होता है एट 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर क्या है बहुत ही कम है, 0 केल्विन है, तो हाइड्रोजन कंटेन मेनली पैरा हाइड्रोजन विच इज मोर स्टेबल। तो 0 केल्विन, 0 मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो जब सॉलिड हाइड्रोजन होती है वहां पे जो भी हाइड्रोजन होती है इट इज पैरा हाइड्रोजन। और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पैरा वाला जो आइसोमर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्थो आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है एट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। जिस टेम्परेचर पे एयर को हम लोग लिक्विड लिक्विफाई करते हैं, उस टेम्परेचर पे जितनी पैरा हाइड्रोजन होती है उतनी ही ऑर्थो हाइड्रोजन हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा हाइड्रोजन के पास एनर्जी होती है कि जो अनस्टेबल आइसोमर है विच इज ऑर्थो आइसोमर, वो 3 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा। और उससे भी हायर टेम्परेचर अगर हम लोग लेके जाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दोनों की वो सेम ही रहती है। सो ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 आइसोमर है, एक है ऑर्थो और एक है पैरा। ऑर्थो में क्या है, न्यूक्लिया हैव सेम स्पिन, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस हैव ऑपोजिट स्पिन, दूसरा क्या है इट इज लेस स्टेबल, ये क्या है इट इज मोर स्टेबल। और क्या डिफरेंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसको इट गिव्स सिंगल ट्रिपलेट एंड इट गिव्स सिंगलेट। अब ये सिंगलेट ट्रिपलेट क्या है, इसमें होता है 2Ni+1 का फॉर्मूला होता है। आई क्या है, आई इज द टोटल स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्थो के केस में करें तो आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 पीक्स हमें दिखाई देती है इस तरीके से, 3 पीक्स दिखाई देंगी, मैं इसको थोड़ा और क्लियरिटी दिखाता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो ये क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसकी जो पीक आती है वो ट्रिपलेट आती है। यहाँ पे 2Ni+1 अगर हम लोग करेंगे तो आई कितना है, +1/2 - 1/2, दोनों क्या होगा 0 होगा। तो 2 × 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सिर्फ एक ही पीक दिखती है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें क्या दिखती है, एक ट्रिपलेट दिखती है। अब क्या है कि
एट लो टेम्परेचर या पहले लिख सकते हैं एट लो टेम्परेचर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो एट जीरो केल्विन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो एट जीरो केल्विन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 100%। ठीक है, और फिर जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो ये क्या होगा, थ्री टाइम्स मोर देन, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो थ्राइस होगी ऑफ पैरा। ठीक है, और यहाँ पे उसका अपोजिट तो मैं लिख सकते कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1/3 होगी ऑर्थो। सो ये मेजर हमारी डिफरेंस है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। नाउ ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर तुमने पैरा बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्थो में कन्वर्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। तो अब ये प्योर प्योर पैरा पोजिशन पैरा हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। सो पैरा हाइड्रोजन इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन थ्रू अ ट्यूब पैक्ड विद चारकोल कूल्ड टू लिक्विड एयर टेम्परेचर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें थ्री टाइम्स ऑर्थो है और एक टाइम पैरा है, और अगर इसको मैं लिक्विफाई कर दूं या कूल कर दूं तो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जीरो केल्विन पे हमारे पास जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो हमें वो पैरा होती है और ऑर्थो बिल्कुल भी नहीं होती। तो बेसिकली हमें क्या करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन है उसको कूल डाउन करना है। कूल डाउन क्या करना है, जीरो केल्विन तक अगर मैं कूल डाउन कर दूंगा तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थ्रू दी ट्यूब पैक्ड विद चारकोल, तो एक हम लोग ट्यूब लेते हैं उसके उसमें क्या होता है चारकोल भरा होता है और उसको हम लोग कूल करते हैं हाइड्रोजन पास करने के बाद किस टेम्परेचर पे, लिक्विड एयर के टेम्परेचर पे, एयर जिस पॉइंट पे लिक्विफाई हो जाती है 200 या 300 डिग्री सेल्सियस पे, उस पॉइंट पर हम लोग लेके जाते हैं। और इस पॉइंट पे जो हमारी वो बनती है हाइड्रोजन बनती है वो पैरा बनती है, और ये जो पैरा हाइड्रोजन होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है उस पॉइंट पे, और इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे बंद करके ग्लास में रख सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा के बीच में जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे होता है, और अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है तो मुझे उसको कैटलिस्ट चाहिए। तो अगर मैं कैटलिस्ट नहीं डालूंगा और उसको मैं ऐसे ही रख दूंगा तो वो काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से पैरा कॉन्फ़िगरेशन में रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज दी ऑर्थो पैरा कन्वर्जन इज स्लो इन दी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो इनका जो कन्वर्जन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कैटलिस्ट अगर नहीं डालेंगे तो इनका कन्वर्जन क्या होता है, लो रहता है। सुटेबल कैटलिस्ट इंक्लूड एक्टिवेटेड चारकोल, एटॉमिक हाइड्रोजन मेटल सच एज FeNiPdW, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और आयन सच एज O2NO, NO2CO2 and Cr2O3। तो इतने सारे कैटलिस्ट हैं, मतलब जो भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बन जाते हैं और वो पैरा को ऑर्थो में जनरली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। नाउ वी टॉक अबाउट हैवी वाटर। अब हैवी वाटर तुमने सुना होगा, वाटर क्या होता है, H2O, इट इज जस्ट वाटर। एंड जो D2O होता है, D2O इज हैवी वाटर। इसमें हैवी का क्या मतलब है, बिकॉज वी हैव यूज्ड हैवी आइसोटोप हाइड्रोजन का, हैवी आइसोटोप हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, तो हैवी वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय D2O। जैसे H2O का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही D2O का भी स्ट्रक्चर होता है दो लोन पे, इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे दो लोन पे एंड एक डी इधर एक डी इधर, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम। तो जब ड्यूटेरियम हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है D2O और ये रह जाता है H2O। अब ये जो D2O है वो बहुत महंगा तो नहीं आता, सस्ता ही आता है, बट वाटर के कंपैरिजन में वो बहुत महंगा आता है, मतलब बाकी केमिकल्स के कंपैरिजन में D2O इज नॉट एज एक्सपेंसिव, लेकिन वाटर जो हमारे 10 रुपये में या फ्री में भी आ जाता है उसके कंपैरिजन में D2O इज वेरी एक्सपेंसिव। D2O में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लगा रहे हैं, और ड्यूटेरियम 100% होना चाहिए तब जाके वो प्योर D2O बनेगा।
सो इट इज एक्सटेंसिवली यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. तो पहली चीज क्या है कि इसको हम लोग मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में. न्यूक्लियर रिएक्टर में पता होगा जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल से जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235 से 235 238 यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. और वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि इट कैन लीड टू अ डिजास्टर. तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसके अंदर ग्रेफाइट के रॉड्स पर डालते हैं जो रिएक्शन को धीरे करती है. एंड देन वी यूज D2O हैवी वाटर उसके आसपास यूज करते हैं बिकॉज हैवी वाटर इज एबल टू एब्जॉर्ब दोज रेडियो एक्टिव जो न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो क्या होता है कि एक रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और हम नहीं चाहते कि ये सारे न्यूट्रॉन रिएक्शन करें, तो हम लोग ग्रेफाइट रॉड्स डालते हैं, हैवी वाटर डालते हैं. तो ये जो हैवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड्स है वो कुछ कुछ न्यूट्रॉन, मोस्टली तो ग्रेफाइट रॉड एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो D2 है वो थोड़े बहुत न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो. तो हैवी वाटर का यूज़ वहाँ पे है. एंड देन हैवी वाटर इज ऑल्सो देयर यूज किस लिए, स्टीम वगैरह बनाने के लिए भी वहाँ पे यूज़ होगा. तो मॉडरेटर की तरह बेसिकली ये यूज़ होता है. अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको बेसिकली हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते रहते हैं. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को तोड़ना. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर को तोड़ रहे हैं और उसका एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्ट होना, मतलब थक जाना. तो हम लोग उसका कॉन्टीन्यूसली करते रहते जब तक वो उसका इलेक्ट्रोलिसिस ख़त्म नहीं हो जाता. तो ऐसी कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रोलिसिस करते करते वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, D2O में कन्वर्ट हो जाता है. और दूसरा तरीका क्या है, और एज बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कुछ बाय प्रोडक्ट में D2O प्रोड्यूस होता है. अब इसकी जो रिएक्शंस हैं वो तुम देख सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसको इसके साथ करोगे तो C2H2 मिलेगा प्लस CaOH2 मिलेगा. तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल वाटर की होती है वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ड्यूटेरेटेड या हैवी वाटर की भी होती है. तो तुम देख सकते हो कैल्शियम कार्बाइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, C2H2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो अब क्या करना है, रिएक्शन में डी की जगह हमें सिर्फ एच की जगह हमें डी रिप्लेस कर देना है. तो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे डी आ गया, तो ये बन जाएगा C2D2 और ये CaOD2. ऐसे SO3 plus H2O क्या प्रोड्यूस करता है, H2SO4. इसी तरीके से SO2 plus D2O क्या प्रोड्यूस करेगा, D2SO4. मतलब क्या है कि H2SO4 की जगह हम लोगों ने क्या बना लिया, D2SO4. अब ये जो H2SO4 होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, तो D2SO4 भी उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सिमिलर ही होंगी, थोड़ी हल्की फुल्की 19-20 हो सकती है, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज रिमेन सेम. एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसमें वाटर डालेंगे तो CH4 बनता है हमारा, प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड में अगर हम लोग वाटर डालेंगे तो हम मीथेन प्रोड्यूस होती है और क्या प्रोड्यूस करती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एंड सिमिलरली अगर D2 के साथ रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. अब हैवी वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. हैवी वाटर इज लाइक ऑर्डिनरी वाटर, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, कोई ओडर नहीं होता, टेस्टलेस होता है और मोबाइल लिक्विड होता है, मतलब मूव कर सकता है लिक्विड, जैसे वाटर मूव कर सकता है उसी तरीके से ये भी मूव कर सकता है. हाउएवर देयर इज मार्क डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर, यहाँ पे हमें देख सकते हैं. तो अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो हैवी वाटर है तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे वाटर 0°C में आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उससे ज़्यादा है, 3.82°C पे ही है फ्रीज हो जाएगा.
बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होता है, ये 101.42 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी चाहिए। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड वाटर है, लिक्विड कोई भी चीज़ ले लो, लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर ही लेते हैं, लिक्विड वाटर है या मिथेन ले लेते चलो ठीक है, लिक्विड मिथेन है और हमारे पास सॉलिड मिथेन है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड की ज़्यादा होती है सॉलिड की कम होती है, तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है इज मोर देन लिक्विड, तो ये जनरली केस होता है। लेकिन वाटर के साथ ये केस होता नहीं है, वाटर के साथ क्या होता है इसका थोड़ा सा उल्टा होता है कि वाटर जो आइस होती है सॉलिड फॉर्म में उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। हर केस में यही होता है लेकिन वाटर एक एक्सेप्शनल केस है और दो तीन ऐसे एग्जाम्पल और हैं जहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है। तो सॉलिड वाटर मतलब आइस, आइस की डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है, तो आइस कब बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि वाटर की डेंसिटी हाई कहाँ होगी लिक्विड वाटर की, तो मैं अज्यूम कर सकता था 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड आइस होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। इसलिए क्या होता है कि आइस हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो क्या होता है, पहले वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, फिर उसका टेम्परेचर हम लोग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पास में आ जाते हैं, और एक 4 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास आते हैं। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से हम लोग जब 3 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होने लग जाते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बना लेते हैं। आइस में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एयर बबल्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे खाली स्पेस बहुत ज़्यादा है। जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, जैसे कोई भी सॉलिड के, अगर मैं यहाँ पे मैं एक सॉलिड ले लेता हूँ तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जैसे एक साथ पैक्ड हो जाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस, मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वाटर के केस में ऐसा होता नहीं है, वाटर के केस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि इनके बीच में बहुत सारा खाली स्पेस बचा हुआ है, इस खाली स्पेस की वजह से इसकी जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम पे जाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसकी कितनी होती है? 11.6 होती है, इसकी और पहले आ जाती है क्योंकि ये हैवी आइसोटोप है। मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है, जैसे 1 kg तुम आइस लोगे और 1 लीटर वाटर लोगे तो उस केस में हम लोग बात करें। हीट ऑफ फ्यूजन इज 6.01, तो तुम देख सकते हो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंट आ रही है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली जो इतना डिफरेंस होता नहीं है, जैसे 0.9988 और 1.0717 डिफरेंस है, बट डिफरेंस इज नॉट एप्रिशिएबल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि कंपाउंड एकदम अलग ही दिखने लगे। कंपाउंड उसी तरीके से दिखता है जैसे वाटर दिखता है, बस जो वैल्यूज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज बट सारी सेम रहती हैं, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम ही रहेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल
जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे मेजरली डिपेंड करते हैं। इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो हायर विस्कोसिटी ऑफ हैवी वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लोअर सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड लाइक NaCl एंड स्मॉलर मोबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी, ये रही। तो वाटर में अगर मैं नमक डालूं तो 350 एक लीटर वाटर में मैं 350 ग्राम NaCl डालूंगा तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन D2O में क्या होता है, 805 ग्राम ऑफ NaCl उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। अब जब बहुत ज़्यादा आयन्स उसके अंदर होंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो D2O क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कितनी 12.6 है और इसकी कितनी 10.09 है। डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हायर मोलर मास। तो उसका मोलर मास भी ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर दोनों का वॉल्यूम तुम एक एक लीटर लोगे तो D2O का जो मास है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो हैवी वाटर डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी 99.99% सेम रहती है, बस कुछ ही केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं। ऑल दिस रिएक्शंस आर गिवन बाय ऑर्डिनरी वाटर विद मच ग्रेटर विगर। तो विगर का क्या मतलब है कि ये जो रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन, तो बस यही लिख ऑफ रिएक्शन फॉर H2 के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है नीचे लिख देता हूँ मैं। सो हैवी वाटर क्या होता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, उतनी अच्छी तरीके से वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन H2O का जो होता है रिएक्शन एकदम विग्रेसली होता है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव तरीके से वो रिएक्शन करता है। तो अगर मेटल की बात करें तो जैसे मैंने कल बताया था कि जो मेटल होते हैं वो कोई भी मेटल है H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। D2O reacts slowly with alkali and alkaline metal producing deuterated oxide and liberating heavy hydrogen. तो metal है plus H2O है reaction है, तो MOH plus H2 चार हो गए। तो इसी तरीके से alkali और alkaline H metal है तो D2O के साथ वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन सेम ही होगी, MOD प्लस D2 गैस रिलीज होगी, हैवी हाइड्रोजन। H2 इज लाइट हाइड्रोजन एंड D2 इज हैवी हाइड्रोजन। मेटलिक ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लाइक सोडियम एंड कैल्शियम डिजॉल्व इन D2O टू फॉर्म हैवी एल्कलाइड सच एज NaOD एंड कैल्शियम OD। तो सोडियम या कैल्शियम D2 के साथ रिएक्ट करके NaOH, जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है NaOD, और कैल्शियम रिएक्ट करके CaOH ट्वाइस बनाता है। अब ये क्या बनाएगा, OD ट्वाइस बनाएगा। तो बेसिकली सोडियम वाटर में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, जगह है ये वाली रिएक्शन है Na+H2O gives NaOH plus H2 gas, same reaction है। तो जैसे NaOH बनता है वैसे ही NaOD बन जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें बन जाएगा। एक्शन विद एसिड एंड हाइड्राइड, तो एसिड एंड हाइड्राइड क्या होता है, जैसे P2O5 है इट इज एसिड एंड हाइड्राइड, SO3 is an acid anhydride। Basically कोई भी तुम acid ले लो जैसे H2, SO4
और इसमें से वाटर निकाल दो, माइनस ऑफ H2O। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? वाटर निकालना। तो अगर मैं इसको वाटर निकाल दूंगा तो H2O क्या बन जाएगा? SO3। तो इस तरीके से बहुत बार तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन मिलेगा कि इस कंपाउंड का एनहाइड्रेट निकालो। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, उस कंपाउंड को हीट करना है, उसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, तो वाटर माइनस करके उस कंपाउंड पर रख दोगे तो वो बन जाएगा H3PO4। ऐसे तुम वाटर निकालो तो इसमें से प्रॉपरली वाटर निकलेगा नहीं, तो हमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और उस तरीके से हमारा P2O5 बनेगा। तो 3 2 6, 3 H2O यहाँ से निकला, तो तीन ऑक्सीजन चले गए, 8 थे मतलब 5 बचे, तो ये बन गया P2O5। ठीक है, तो P2O5 क्या होता है? H3PO4 का एनहाइड्राइड होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मतलब एसिड एनहाइड्राइड, आई होप समझ गए होगे, तो जब D2O को डिसॉल्व करते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्रेट में, मतलब P2O5 में या SO3 में अगर मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। SO3 में वाटर डालेंगे तो क्या मिलेगा? H2SO4। P2O5 में वाटर डालेंगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ H3PO4। तो अब इसी तरीके से SO3 में मैं D2O डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? D2SO4। एंड P2O5 में अगर मैं D2O डालूंगा तो क्या मिलेगा? D3PO4। ठीक है, सो सेम ही रिएक्शन है, बस इस तरीके से हो रही है एक्शन विद मेटालिक कार्बाइड। सो अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं मेटालिक कार्बाइड की रिएक्शन। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो एल्यूमिनियम OD बन जाएगा, कैल्शियम OH बनाता है तो वो OD बन जाएगा। नाइट्राइड्स के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड है तो वो Mg3N2 है, तो इसमें वाटर का एडिशन होगा बेसिकली, तो MgOH ट्वाइस अगर बनता है नॉर्मल, अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन करूँ, प्लस NH3 बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, OH यहाँ पे जा रहा है, तो उसी तरीके से NH3 बन जाएगा और MgOH2 बन जाएगा, और अगर D2O डालेंगे तो MgOD2 और ND3। इसमें अगर मैं डालूँ तो फॉस्फोरस के साथ मैं हाइड्रोजन डाल दूंगा, इधर OH डाल दूंगा, यहाँ पे करें तो इसके साथ OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो इट इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो वाटर का एडिशन हो रहा है एक जगह पे, हाइड्रोजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास H पॉजिटिव जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके पास क्या चला जाएगा? OH वहाँ पे चला जस्ट हो जाएंगे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड है वो पे प्रोड्यूस होगी। और ये हैवी वाटर सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है कि वो फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटेरेट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर मुझे कोई भी कंपाउंड है उस वो मुझे हैवी आइसोटोप में चाहिए, हैवी आइसोटोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसका ड्यूटरेशन करूंगा, हैवी वाटर से मैं रिएक्ट कराऊंगा। जैसे ही वो हैवी वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे किसके? ड्यूटरेट के। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 है मेरे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो पहले मैं हीट करूंगा तो CuSO4.5H2 का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, फिर ये क्या बन जाएगा? CuSO4 एनहाइड्रस, और इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट। फिर मैं क्या डालूंगा? D2O डालूंगा और इसको क्या बना दूंगा? CuSO4.5D2O, और इसका कलर भी क्या होगा? ब्लू होगा। तो
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है डॉट करके, डॉट 5H2O, डॉट 10H2O, डेकाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट जो हम लोग लिखते हैं, उसी तरीके से ड्यूटरेट्स भी हम हमारे बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज दी एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है और आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ये जो रिएक्शन है इसका क्या मकैनिज्म है, तो उस मकैनिज्म के लिए हम लोग ड्यूटरेशन करते हैं। ड्यूटरेशन से क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा नहीं है, तो उसके लिए एक्सचेंज रिएक्शन की जाती है। अब होता क्या है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीक होता है और कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। तो जो स्ट्रांग होता है तो कार्बन ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है वो इतनी आराम से नहीं टूटेगा जितनी आराम से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर मुझे पता करना है कि ये जो रिएक्शन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं ड्यूटेरियम लगा के देख लूँगा। और जैसे ही मैं ड्यूटेरियम लगाऊंगा, अगर रिएक्शन का रेट कम हुआ तो मतलब डेफिनेटली वो जो रिएक्शन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। तो हमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाने पड़ते हैं लैब में ड्यूटरेशन करने के लिए। फिर ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं और ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स से हम लोग तो इस तरीके से हम लोग एक्सचेंज रिएक्शंस को यूज़ करते हैं फॉर आर रिसर्च पर्पसेस। तो एच की जगह ड्यूटेरियम लग जाता है और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर आर स्टिल इन डिस्प्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एग्जाम्पल। अगर वाटर की जगह तुम लोगे तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा, बट इट विल डेफिनेटली रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, विच मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारे सेल मर। सिमिलरली प्लांट्स अगर हैं, एनिमल्स हैं, तो वो प्लांट ग्रो नहीं करते। लुइस हैज शोड दैट टोबैको सीड डू नॉट ग्रो इन हैवी वाटर। टोबैको के जो सीड्स होते हैं वो हैवी वाटर में ग्रो नहीं। Certain molds have, however, been found to develop better. Sir, voice clear. Use biological properties में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि वाटर अगर हम लोग लेते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है प्लांट्स की, एनिमल की, और हमारी ग्रोथ के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स और लिविंग बींग्स की ग्रोथ के लिए वाटर इज़ वेरी असेंशियल। बट लुइस जो एक साइंटिस्ट था उसने शो करा कि टबैको के जो सीड्स होते हैं वो हैवी वाटर में ग्रो नहीं करते हैं, मतलब प्लांट्स हैवी वाटर में मेजरली ग्रो नहीं करते हैं, मतलब ग्रोथ होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल है टोबैको सीड का जो कि बिल्कुल ग्रो नहीं करता है। ऐसे ही इस्टेब्लिश किया गया कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं, टेडपोल्स होते हैं और चूहे होते हैं, छोटे चूहे, अगर उनको हैवी वाटर दिया जाए तो वो मर जाते हैं। लेकिन मतलब अब किसकी बात हो रही है, छोटे एनिमल्स की, बड़े एनिमल्स के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स मतलब ईस्ट फंगस, और अगर ये फंगस और ईड्स को हैवी वाटर में हम लोग उगाने की कोशिश करें तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल वाटर से काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ हैवी वाटर।
तो जैसे मैंने बताया हैवी वाटर इज यूज फॉर स्लोइंग डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को डिक्रीज करते हैं, मतलब मॉडरेटर की तरह वो यूज करते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड धीरे करती है, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या करें बेसिकली धीरे करें, क्योंकि न्यूट्रॉन्स आगे रेडियो एक्टिव एटम के पास जाएंगे और उसका फ्यूजन कराएंगे यूरेनियम एटम्स का। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर फट सकता है और इट कैन कॉज डिजास्टर लाइक चेर्नोबिल। तो उस तरीके का डिजास्टर हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैवी वाटर यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को डिक्रीज करता है। हैवी वाटर इज कॉमनली एम्प्लॉयड एज अ ट्रेसर कंपाउंड फॉर स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मैंने बताया रिसर्च में किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हैवी वाटर चाहिए होता है। हैवी वाटर से हम लोग कंपाउंड्स बनाते हैं और कंपाउंड्स में अगर ड्यूट्रियम अगर अटैच हो गया तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन है, क्या उसका मैकेनिज्म होगा। दूसरी चीज़ D2O एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, बहुत सारी रिएक्शन D2 हैवी वाटर में हम लोग करते हैं। और कुछ NMR वगैरह, मतलब कोई अननोन कंपाउंड का अगर मुझे स्ट्रक्चर पता करना है तो उसको हम लोग D2O में डिजॉल्व करके NMR में दे देते हैं। हेलो, अच्छा है, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा मेरी साइड से प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर से बता देता हूँ, हैवी वाटर क्या बोला गया है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ होता है एज अ रेफरेंस। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम लोग D2O उतना यूज़ नहीं करते हैं जितना हम लोग CDCL3 या TMS यूज़ करते हैं। हाँ अपेक्षा, कुछ प्रॉब्लम? और दूसरा है कि D2O एज अ सॉल्वेंट होता है, ड्यूटरेटेड ऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। और हाँ, वाटर एक्सचेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर मेरे पास OH है तो उसको मैं हटा के OD बना लेता हूँ तो उसकी पीक नहीं आती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है, हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज प्रॉपरली इंटरनेट चल भी नहीं रहा तो तुम लोगों को प्रॉपरली आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।